तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं जो कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर, यानी कि इस वीडियो में हम लोग प्रेशर क्या होता है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, चाहे आपका रिफाइनरी प्लांट हो या पावर प्लांट हो या कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, वहां पर आपको एक ना एक प्रेशर गेज जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो हम लोग प्रेशर गेज लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, तो जो भी हमारा पाइपलाइन के अंदर वाटर फ्लो कर रहा हो या कोई स्टीम फ्लो कर रहा हो, तो उस वाटर या स्टीम का कितना प्रेशर है, यानी कि जो हमारा वाटर है या जो हमारा स्टीम है उस पाइपलाइन के अंदर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग प्रेशर गेज का यूज करते हैं। तो ये जो हमारा प्रेशर है इसका मतलब क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग प्रेशर का जितने भी यूनिट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो इन सारी बातों का इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, प्रेशर को समझना बहुत ही सिंपल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को धक्का देना, वो क्या कहलाता है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाइड करते हैं वो होता है हमारा फोर्स। और हम लोग प्रेशर की अगर बात करें तो किसी भी बॉडी के ऊपर यूनिट एरिया में, जैसे कि यूनिट एरिया का मतलब कि वन इकाई, जैसे कि हम लोग अगर मीटर स्क्वायर की बात करें, किसी भी बॉडी का अगर मीटर स्क्वायर ले रहे हैं वन यूनिट, यानी कि वन मीटर स्क्वायर में कितना हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या हम लोग सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वन सेंटीमीटर में हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या हम लोग एमएम स्क्वायर ले रहे हैं तो वन एमएम स्क्वायर में हम लोग किसी बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यही होता है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर को समझना बहुत ही सिंपल है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि यूनिट एरिया। तो देखिए, इस प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा फिर, तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया किया है, और फोर्स का हमारा क्या होता है, तो न्यूटन होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कितना न्यूटन का हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और हम लोग किसमें कर रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया, यानी कि मान लीजिए कि हम लोग पर मीटर स्क्वायर में हम लोग चेक करते हैं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर का, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, क्योंकि पास्कल द्वारा ही इसका खोज किया गया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसीलिए इसका नाम दिया गया है पास्कल। तो देखिए, अभी हम लोग इस फॉर्मूला से क्लियरली हम लोग को यह समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा प्रेशर है वो फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स इंक्रीज करेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी ज्यादा एग्जर्ट होगा। सिमिलरली इस फॉर्मूला में आपको दिख रहा है प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे एरिया आप बढ़ाएंगे और आपका जो फोर्स है वो सेम ही है, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि अगर आप एरिया बढ़ा रहे हैं और आपका जो फोर्स है वो क्या है, सेम ही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर हम लोग सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका एरिया चेंज कर रहे हैं, यानी कि एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए थे और हमारा जो एरिया था वो कितना था, 2 मीटर स्क्वायर था, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो फोर्स है अभी भी क्या है, सेम है, यानी कि 6 न्यूटन ही है, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को इंक्रीज कर दे रहे हैं, 2 से मान लीजिए हम लोग 6 मीटर स्क्वायर कर दिए, यानी कि हम लोग जो 6 न्यूटन है उसको अब 6 मीटर स्क्वायर में लोड दे रहे हैं, यानी कि उतना फोर्स दे रहे हैं, तो इस समय हमारा जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से देखें कि जैसे जैसे हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी 2 से 6 हुआ, तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से हमारा जो एरिया इंक्रीज होगा सेम फोर्स में,
तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसको आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से भी समझ सकते हैं। हमारे पास दो वुडन पीस है जिसमें हमको कील को इसके अंदर पेनिट्रेट करवाना है, यानी कि कील को इसके अंदर गाड़ना है। तो हम लोग क्या किए हैं कि एक वुडन पीस में हमारा जो कील का नोकीला पार्ट है उसको हम लोग इसके अंदर इमर्ज करवा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर पेनिट्रेट करवा रहे हैं। और दूसरे इमेज में आप देखे होंगे कि जो भी हमारा फ्लैट एंड है, यानी कि जो फ्लैट पार्ट होता है, उसको हम लोग रख के इसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस पार्ट में, यानी कि ये जो हमारा वुडन पार्ट है जहां पे हमारा नोकीला पार्ट है, इसमें देखेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, बहुत ही कम है। यानी कि इस जगह पे आपका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, लेस है। लेकिन यहां पे देखेंगे तो यहां पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जा रहा है, इतना दूर हो रहा है, यानी कि यहां पे हमारा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जा रहा है, मोर हो जा रहा है। और जहां पे भी हमारा एरिया इंक्रीज होता है, जहां पे भी हमारा एरिया इंक्रीज होगा तो वहां प्रेशर क्या होगा, कम अप्लाइड होगा, यानी कि प्रेशर वहां पर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस पार्ट में अगर हम लोग प्रेशर की बात करें तो यहां पे जो हमारा प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले हमारा जो कील है वो कौन सा अंदर जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर हमारा जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो लेस है, जिसकी वजह से यहां पर प्रेशर जो है वो ज्यादा अप्लाइड हो रहा है। तो ये हम लोग 5 न्यूटन अप्लाइड करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। और इस इमेज में जो कील है वो इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पे जो प्रेशर डेवलप होगा वो कम होगा। यानी कि सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाइड करने के बाद भी यहां पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम अप्लाइड होगा, जिसकी वजह से ये जो वुडन पीस है वो उसको अपोज करेगा और उसको पेनिट्रेट नहीं होने देगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। उम्मीद करता हूं आपको प्रेशर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं कि इसका यूनिट क्या क्या होता है। तो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूटन में फोर्स यहां पे अप्लाइड कर रहे हैं और पर मीटर स्क्वायर में लिए, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको पास्कल द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। यानी कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरा हमारा यूनिट क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे न्यूटन जो फोर्स अप्लाइड किए हैं, यहाँ पे हम लोग अगर केजी में लें, अगर हम लोग मतलब कि 5 केजी या 10 केजी अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करें और हमारा पर सेंटीमीटर स्क्वायर में देखें, यानी कि जो हमारा एरिया मान लीजिए हम लोग पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें या पर मीटर स्क्वायर ले लें, तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, तो हमारा एक यूनिट हो सकता है कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितना केजी का फोर्स हम लोग पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अप्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो गया। या अगर आप कितना केजी का फोर्स आप पर मीटर स्क्वायर में अप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोल देंगे केजी पर मीटर स्क्वायर। तो जनरली इंडस्ट्री में हमारा जो भी प्रेशर गेज वगैरह होता है वो मैक्सिमम आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा लिक्विड या कोई भी हमारा गैस किसी भी पाइपलाइन में जो फ्लो करता है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि स्क्वायर है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, कितना यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो भी हमारा लिक्विड है, जो भी हमारा वाटर है या जो भी हमारा गैस है, वो इतना एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और यहां पे क्या हो सकता है प्रेशर का यूनिट, तो देखिए ये जो हमारा फोर्स है वो किस में लिए थे, न्यूटन में लिए थे, ये हम लोग केजी में लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फोर्स है उसको पाउंड में लेंगे, ठीक है, यानी कि इतना पाउंड का हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जो एरिया है उसको हम लोग लेंगे इंच स्क्वायर में, यानी कि पर इंच स्क्वायर कितना पाउंड का हमारा फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पाउंड पर स्क्वायर इंच, यानी कि इंच स्क्वायर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PSI, यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। और हमारा किस में होता है, तो देखिए एक होता है हमारा MM, यानी कि मिलीमीटर ऑफ वाटर कोलम, एक होता है हमारा बार में भी हम लोग इसको मेजर करते हैं और हमारा टॉर में भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रेशर का यूनिट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पास्कल से केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, या कैसे हम लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से पाउंड पर स्क्वायर इंच में करते हैं, या PSI से हम लोग कैसे बार में कन्वर्ट करेंगे। इन सारे कन्वर्जन के लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो
चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी पाइपलाइन में जो प्रेशर गेज लगा रहता है वो जो शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। तो हमारा गेज प्रेशर का मतलब क्या होता है इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पर उसका जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड होता है। तो ये मान लीजिए कि हमारा जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 1.013 bar होता है, यही होता है ना, इतना बार इसका प्रेशर होता है। और इसके नीचे हमारा कहीं ना कहीं जीरो प्रेशर होगा, यानी कि 1.013 bar पे हम लोग आएंगे तो इस जगह पे हमारा क्या होगा, प्रेशर जीरो होगा। तो यहां पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो बार बोल सकते हैं आप क्या, तो जीरो बार, या इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन, ठीक है। और एक चीज आपको यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हम लोग प्रेशर गेज लगाते हैं, यानी कि किसी भी पाइपलाइन में या कहीं भी आप प्रेशर गेज लगाते हैं, वो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही क्या करता है, रेफरेंस लाइन मानता है। यानी कि हमारा अगर प्रेशर गेज में अगर जीरो वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारा क्या है, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो कर रहा है, यानी कि 1.013 bar वहां पे अभी भी है, प्रेशर अप्लाइड है। तो अगर हमारा प्रेशर जो है जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाए, यानी कि प्लस जाए, यानी कि हमारा जीरो से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज। अगर हमारा जीरो से अगर निगेटिव की तरफ आए, यानी कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर दिखाने लगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपका बॉटम साइड में यानी कि निगेटिव आए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव गेज। तो निगेटिव गेज यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो अगर आपका निगेटिव प्रेशर दिखा रहा है इसका मतलब कि हमारा क्या है, वैक्यूम है। तो मान लीजिए कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो क्या है। एब्सोल्यूट का मतलब कि हमारा यहां से लेकर के टोटल प्रेशर कितना है। मान लीजिए कि हमारा जो गेज प्रेशर है वो प्लस समथिंग दिखा रहा है, मान लीजिए कितना दिखा रहा है, तो 65 kg/cm² दिखा रहा है। यहां पे कितना दिखा रहा है, तो 65 kg/cm² आपको गेज में दिखा रहा है। तो आपका जो टोटल प्रेशर हो गया, यानी कि टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, वो कितना होगा, यानी कि आपका जो प्रेशर है यहां से लेकर के यहां तक अगर आप चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा मतलब जीरो से ऊपर गया है, यानी कि 65 गया है, और हमारा टोटल क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर निकल जाएगा। तो इसी से आपका एक फॉर्मूला डेवलप हो जाता है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या होता है, हमारा गेज प्रेशर, ये क्या होता है, हमारा ये क्या है, हमारा गेज प्रेशर। तो हम लोग लिख सकते हैं गेज प्रेशर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये वाला यानी कि 65 kg/cm² का हम लोग प्रेशर टोटल निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना है, तो ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसका एटमॉस्फेरिक में अगर इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो कितना होता है, 1.0325 kg/cm² होता है। तो आप क्या करेंगे, तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू लिख देंगे 1.0325, है ना, और प्लस कर देंगे 65, तो ये कितना हो जाएगा, तो 66.0325 kg/cm² हो जाएगा, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। अब यदि मान लीजिए कि हमारा जो प्रेशर है वो जीरो से कम दिखा रहा है, यानी कि निगेटिव दिखा रहा है, तो मान लीजिए कि हमारा निगेटिव कितना दिखा रहा है, तो अज्यूम कर लीजिए कि आपका जो प्रेशर है वो -0.9 kg/cm² दिखा रहा है, तब इसका एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का जो वैल्यू है वो कितना है, तो -0.9 kg/cm². तो एब्सोल्यूट प्रेशर अब कितना होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का प्रेशर अब कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तो यहां पे वही आप फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना है, तो 1.0325, और प्लस हमारा क्या है, गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर कितना है हमारा,
तो -0.9 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1.0325 माइनस 0.9 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस, तो ये हो जाएगा, तो लगभग हमारा कितना हो गया, 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन जो है इसको रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, और इसके ऊपर अगेन यानी कि जीरो से ऊपर अगर आपका कोई भी प्रेशर दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारा क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर दिखा रहा है। अगर जीरो से कम दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम दिखाता है। अगर एब्सोल्यूट आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक को उसमें ऐड कर देंगे। तो यह हुआ ऑल अबाउट प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सारी यूनिट का कन्वर्जन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।